तो आज हम करने वाले हैं सोफ़ा महाराज की अच्छे से धुलाई। हेलो जी, केम छो तमे? तो ये देखिए, जो ऊपर वाला हिस्सा है सोफ़े का वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना सोफ़े का, ये आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पर कुछ गिरा दिया था मेरे छुटकू ने, तो उसकी वजह से ना ये आप देख सकते हैं निशान बन गया है, जो कि बहुत ही गंदा लगता है देखने। वैसे तो ये दिखता नहीं है, कवर हो जाता है सोफ़ा कवर से, बट ये फिर भी बाई चांस कभी सोफ़ा कवर हट गया तो कितना गंदा लगता है देखने में, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और नीचे ना ये पैरों के निशान से ना शायद नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो चलिए अब इसे क्लीन कर लेते हैं, और मैं इसे किस तरह से क्लीन करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है और इसमें डिश वॉशर डाला हुआ है, और ये गर्म है, और यहाँ पर मैं स्क्रबर ले रही हूँ और इसे पहले मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद पानी का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, बस इसे डिप कर लेना है। उसके बाद फिर ये जो है ना, जो निशान है, बस इसी पे रब करना है कुछ इस तरह से। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके घर में होती तो है, लेकिन इसे हम धो नहीं सकते हैं, इसे हम अच्छे से साफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे पानी से गीला तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इस तरह से कुछ टिप्स अगर अपनाए जाएँ तो हम इसे क्लीन अच्छे से कर सकते हैं, और इसे क्लीन भी करना चाहिए, वरना तो ये गंदा होते होते बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, उसके बाद इसे क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस ये ना हो, इसके लिए थोड़ा सा जब गंदा हो तो इसे क्लीन कर लेना चाहिए। तो बस ये आप देख सकते हैं, मैं इसे क्लीन कर रही हूँ और ये इस तरह से अच्छे से क्लीन हो भी जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि ये पानी से ज़्यादा गीला भी नहीं होगा और ख़राब भी नहीं होगा, और जो भी गंदगी है वो भी निकल जाएगी। और जो इस तरह से आप देख रहे हैं इसे रब कर रही हूँ, तो इससे भी इसे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये जो आप निशान देख रहे हैं, मुझे इस निशान को पूरी तरह से हटाना है, तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हट जाएगा निशान। ये देखिए, इस तरह से ही मुझे रब करना है इसे। तो इसे क्लीन करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सबके अलग अलग टिप्स होते हैं, हैक्स सब यूज़ करते हैं। तो आप इससे सोफ़े को, अपने सोफ़े को किस तरह से क्लीन करते हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कई लोग इसमें डिशवॉशर के साथ में बेकिंग सोडा या तो फिर इनो और विनेगर भी मिला के इसे क्लीन करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका बताया है इसे क्लीन करने का, जिसके लिए जो चीज़ें चाहिए हमें वो सबके घर में होती ही है, तो बस उसी से हम इसे क्लीन कर रहे हैं। नीचे की लेयर है ये भी थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो हाथों हाथ इसकी भी थोड़ी सी सफाई कर दी जाए। और इस पे अलग सा एक शाइन आ गया है, देखिए इस पे भी चमक आ गई है, और इसे भी बिल्कुल हल्के से ही मैंने क्लीन किया है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, और वैसे भी गर्मी है तो बहुत ज़्यादा, वैसे ही गर्मी है तो ये पंखे की हवा में भी वैसे ही बहुत ही जल्द ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए, जो पानी था ये कितना गंदा हो गया है, ये आप देख सकते हैं, और अब इसे अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने साफ़ पानी ले लिया है और इसमें एक साफ़ कपड़ा डिप करके और हल्का सा गीला कपड़े से इसे अच्छे से मैं क्लीन कर ले रही हूँ। तो अब इसे एक साफ़ पानी से और एक कपड़े की हेल्प से इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर कपड़ा बिल्कुल हल्का सा गीला है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गीला है, और बस वैसा ही चाहिए हमें, और उसकी हेल्प से इसे मैं अच्छे से ना दबा दबा कर अच्छे से इसे साफ़ कर ले रही हूँ, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। और ये अच्छे से ना ये क्लीन हो जाएगा, और पूरा जितना भी मैंने इसे स्क्रब किया है ना, उतना हिस्सा मैं फिर से इसे कपड़े से इस तरह से पोंछने वाली हूँ, ताकि जो भी है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और मैं साफ़ पानी में दो तीन बार मैंने कपड़ा डिप करके इसे अच्छे से इस तरह से साफ़ कर लिया है, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये आप देख सकते हैं, ये साफ़ करते करते में भी ना ये अच्छे से ना हल्का हल्का ड्राई होने लग रहा है, ये आप देख सकते हैं।
और ठीक इसी तरह से कपड़ा भिगा कर मैंने यहाँ पर नीचे की जो है ब्लैक वाला हिस्सा उसे भी क्लीन कर लिया है, क्योंकि ब्रश मैंने उस पर भी हल्का सा यूज़ किया था, तो उसे भी इसी तरह से मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो गया है और जो भी दाग वगैरह थे वो भी हट चुके हैं। सकते हैं ये मैंने नीचे का भी क्लीन कर दिया और आप देख सकते हैं पहले के और अब मैं कितना फ़र्क आ गया है। ये बिल्कुल शाइन कर रहा है नीचे का भी हिस्सा ब्लैक वाला, और ये जो ऊपर की थी ये आप देख सकते हैं ये भी क्लीन हो चुका है, बस हल्का सा अभी गीला है, हल्का सा पंखा ऑन कर दिया है तो ये सूख जाएगा बहुत जल्दी। और जो दाग थे वो आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल निकल चुका है। और इसे साफ़ पानी से मैंने हल्का सा कपड़ा गीला करके बिल्कुल अच्छे से ना साफ़ कर दिया है ताकि ये बिल्कुल ही अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये आप देख सकते हैं और ये देखिए जो भी दाग धब्बे दिख रहे थे अब वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो इस तरह से कोई भी सोफ़ा हो आप क्लीन कर सकते हैं। वैसे ये तो कपड़े का है तो इस पर ब्रश का यूज़ मैंने कर लिया है तो इससे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला, बट यहाँ पर ज़्यादा पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये आप देख सकते हैं पहले और अब में फ़र्क क्या है आप खुद देख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।